हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे DOL स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, DOL स्टार्टर कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप बड़े ही आसान और शॉर्टकट तरीके में इसकी वायरिंग करना सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DOL स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक DP MCB की, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑफ स्विच की, यानी जिसको हम NC पुश बटन भी कहते हैं। उसके बाद हमें एक लेना है NO, जिसको हम ऑन स्विच के तौर पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कॉन्टैक्टर की, इसमें हमने कॉन्टैक्टर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर एक एड ऑन ब्लॉक को ऐड किया है। चलो इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। अब हम इसके जो है कंट्रोल वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, हमने DP MCB में न्यूट्रल फेज की सप्लाई दे रखी है। हमने ब्लैक कलर की वायर न्यूट्रल के तौर पे यूज़ की है और येलो कलर की वायर हमने फेज के तौर पे यूज़ की है। सबसे पहले हम इंटरलॉकिंग के लिए फेज वायर उठाएंगे। फेज वायर यानी पीले कलर की वायर, उसमें हम एक रेड कलर की वायर की लूपिंग देंगे, जो आगे ऑफ पुश बटन है जो रेड कलर का है, उसके साथ इसके कनेक्शन करेंगे। हमने फेज वायर को DP MCB में पहले इसके कनेक्शन कर लिए है। अब हम ऑफ पुश बटन, जो हमारा NC पुश बटन होता है, उसके कनेक्शन करेंगे। इस पे हमने इनपुट सप्लाई इसकी जो दे रखी है पहले फेज की, इसके बाद हम हमारे पास जो दूसरा है वो है ऑन, यानी NO पुश बटन, जिसको हम ऑन के तौर पे यूज़ करेंगे। इस पे हम फेज वायर NC पुश बटन से, यानी ऑफ पुश बटन से आगे इसके कनेक्शन करेंगे ऑन पुश बटन के लिए, जो होता है हमारा NO। अब इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब हमने फेज वायर DP MCB से सबसे पहले हमने ऑफ पुश बटन को दी, उसके बाद हमने जो ग्रीन कलर का है ऑन पुश बटन, उसमें इसके कनेक्शन किए। उसके बाद हम वहीं से एक वायर उठाएंगे और जो हमारा नीचे कॉन्ट्रैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ऑन पुश बटन में इसके लूपिंग कर लेते हैं, यहाँ से एक लूप के कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम जो हमारा जो नीचे कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें दो A1 और A2 टर्मिनल यानी कॉइल के टर्मिनल होते हैं, तो सबसे पहले हम A1 टर्मिनल में इसके कनेक्शन कर लेंगे। इसके वायर को हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने क्या करा कि फेज वायर को उठाया और उसको ऑफ पुश बटन में जोड़ा, उसके बाद ऑन पुश बटन में जोड़ा, उसके बाद ऑन पुश बटन से लूपिंग आगे गई कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। दोस्तों अब हम न्यूट्रल वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। DP MCB से हमने एक लूप लेनी है यानी न्यूट्रल, इसको हमने सबसे पहले DP MCB में इसके कनेक्शन कर लेने। DP MCB से हमने इसके जो आउटपुट वायर है वो कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे इसके कनेक्शन कर लेने हैं। अब हमारे जो न्यूट्रल की वायर है वो उसके कनेक्शन भी ओके हैं और न्यूट्रल सप्लाई भी कॉन्टैक्टर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग दे देते हैं। अभी हमारा एक लूप रह गई है जिसको हम इंटरलॉक के तौर पर यूज़ करेंगे। दोस्तों इंटरलॉक क्यों ज़रूरी है इसके इस वीडियो में आपको ये भी मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हमने सप्लाई ऑन की। अब हमने ऑन पुश बटन को जैसे ही ऑन किया, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, लेकिन पुश बटन पे हाथ हटाने से तुरंत ही जो है ये ऑफ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों होल्डिंग के लिए हम इंटरलॉकिंग का यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग के लिए सबसे पहले हमने एक और लूप लेनी है और उसके A2 टर्मिनल में जहाँ फेज आया है वहाँ पर एक वायर जोड़नी है और एक जो एड ऑन ब्लॉक है उसके NO टर्मिनल पर इसके कनेक्शन करने हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो A1 टर्मिनल है जिसमें हमने फेज सप्लाई दी है वहाँ पे एक लूप लेनी है, वहाँ से एक लूप उठानी है और जो कॉन्टैक्टर के ऊपर जो एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है उसके NO टर्मिनल पे इस पर कनेक्शन कर लेने हैं। सबसे पहले हमने A1 टर्मिनल में जो फेज वायर आई थी उस पर इसके कनेक्शन कर लेने हैं, इस लूप के और ये वाली जो वायर है इसके कनेक्शन कर लेने हैं। दोनों वायर को हम A1 टर्मिनल पे पहले जोड़ेंगे एक सिरा इसका, इसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं ताकि ये जो है आउटपुट सप्लाई प्रॉपर दे सके। इसके अगर लूज़ कनेक्शन होते हैं तो ये स्पार्किंग करेगा। इसके बाद जो हमने जो लूप ली है उसको उठा के जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है उसका ऊपर वाला सिरा, जिसको हम NO कहते हैं, जो जहां NO लिखा होगा उस पर इसके कनेक्शन कर लेने हैं। उसके बाद जो एड ऑन ब्लॉक का NO है, NO के दो सिरे होते हैं। A1 में हम एक साइड हमने जो है एक सिरा जोड़ रखा है, वहाँ से हम दूसरे साइड से जो आउटपुट रहेगी दूसरे साइड जो NO है उसके लिए हमने एक और लूप लेनी है। NO के आउटपुट जैसे आप देख पा रहे हो, NO के आउटपुट से वायर उठानी है और सीधा जो है हमारा जो ऑन पुश बटन था उसके इनपुट पे इसके कनेक्शन कर लेने हैं। जो फेज आप देख पा रहे हो, फेज वायर पार से आई यानी
ऑफ पुश बटन में सबसे पहले आई, उसके बाद ऑन पुश बटन में गई, तो उस पर उसके कनेक्शन कर लेने हैं। सबसे पहले हमने एनओ से एक वायर उठाई और इसके इनपुट पे ध्यान रखना, इस पर इसके आउटपुट पे इसके कनेक्शन नहीं करने हैं, इसके इनपुट पे इसके कनेक्शन करने हैं जहाँ पे सबसे पहले फेस सप्लाई आई थी। ये इस तरह से अगर हम दूसरे साइड से करोगे तो ये सेम ही कनेक्शन रहेगी, तो ये होल्डिंग का काम नहीं करेगा। इसको हमने जो है इनपुट, पहले इनपुट पे जैसे ही हमारा जो ऑफ पुश बटन से जो सप्लाई हमारी ऑन पुश बटन के लिए आई, ठीक उसके ही साथ ही इसको कनेक्शन कर लेने हैं, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब हम इसके कनेक्शन कर लिए, इसको अच्छे से टाइट करेंगे। इसको अच्छे से टाइट करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग कर लेगी। दोस्तों इस इंटरलॉकिंग का फ़ायदा क्या है कि जैसे ही हम ऑन पुश बटन को ऑन करोगे तो जो हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये होल्ड हो जाएगा और ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक हम पुश बटन, जो हमारा एन सी यानी ऑफ पुश बटन है उसको प्रेस नहीं करेंगे। दोस्तों ये इसकी टेस्टिंग दे देते हैं आपके सामने, इसके बाद इसकी जो है हम आगे प्रोसेस आपको बताएंगे ये कैसे काम करेगा। हमारे जैसे कनेक्शन बिल्कुल ओके है, कनेक्शन में कोई भी जो है लूज पॉइंट नहीं है जिससे स्पार्क होने का कोई चांसेस हो, आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब दोस्तों अब इसके हम जो DPMCB है, DPMCB को हम ऑन करेंगे। DPMCB को जैसे ही हम ऑन करते हैं उसके बाद जो फेस सप्लाई आगे चलेगी और हमारा जो ऑन पुश बटन है जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे और जो हमारा कॉन्टैक्टर देख पा रहे हो ये ऑन हो गया है, जैसे ही हम ऑफ करेंगे ये ऑफ हो गया है। ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक हम इसको यानी ऑफ पुश बटन से ऑफ नहीं करोगे। दोस्तों सबसे आसान वीडियो में सबसे आसान तरीके से आपने इसको समझा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।